दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप भी सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई इन सभी देशों में रहते हैं और आप कुशीनगर, देवरिया, महराजगंज, गोरखपुर, गोपालगंज, चंपारण आदि जिला के हैं और आपका भी अगर सपना है कि आप कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरें या फिर यहां से आएं, तो आज का जो न्यूज़ है वो आपको बिल्कुल ही सुनना चाहिए। दोस्तों, बता दें कि कुशीनगर या फिर आसपास के बहुत सारे लोग जो है वो सऊदी अरब, ओमान, कतर, दुबई इन सभी देशों में कमाने के उद्देश्य से गए हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन सभी देशों में कमाने के उद्देश्य से गए हैं और आप भी कुशीनगर या फिर आसपास के जिला के हैं, तो आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं आप नीचे कमेंट कर बताइएगा। बहुत सारे लोग बता रहे थे। और दोस्तों, बता दें कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को उद्घाटन हुए अभी एक साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कोई भी उड़ानें नहीं हुई हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आ सकते हैं और अगर आप सऊदी अरब, ओमान, कतर इन सभी देशों में रहते हैं तब भी आप कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कैसे आ सकेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अभी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सिर्फ दिल्ली के लिए फ़्लाइटें हो रही हैं। पहले कोलकाता के साथ हुई, उसके बाद से मुंबई के साथ भी हुई, लेकिन इन दोनों फ़्लाइटों को रद्द कर दिया गया और बताया गया कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्री नहीं है जो मुंबई और कोलकाता जा सके। तो फिलहाल में सिर्फ दिल्ली के लिए फ़्लाइटें होती हैं, वो भी कभी कभी रद्द कर दी जाती हैं। मतलब इसका कोई वो नहीं रहता है कि रेगुलर फ़्लाइटें होंगी कि नहीं होगी, मतलब इतना समझ लिया कि दयनीय स्थिति है। तो अभी बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विदेश से कब जुड़ेगा, कब कुशीनगर से सऊदी अरब के लिए उड़ान होगी, ओमान के लिए उड़ान होगी, कुवैत के लिए उड़ान होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर के उधर गए हैं कमाने के उद्देश्य से, रोज़गार पाने के लिए। तो दोस्तों, अगर एक शब्द में कहा जाए कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्या सऊदी अरब से इस साल जुड़ पाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं लगता है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इस साल जुड़ पाएगा, क्योंकि मात्र एक महीना कुछ ही दिन रह चुके हैं इस साल में। तो मुझे नहीं लगता है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इस साल विदेशों से जुड़ पाएगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कभी भी विदेश से नहीं जुड़ेगा, ऐसा नहीं है। कुशीनगर के जो सांसद है विजय दुबे, उन्होंने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है और साथ में जो नागर विमानन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको पत्र लिखा है और उन्होंने कहा था, जो पत्रकार उनसे पूछे तो उन्होंने कहा कि मैंने पत्र लिखकर भेजा है नागर विमानन मंत्री को और उसमें लिखा है कि जद्दा और थाईलैंड के साथ कुशीनगर को जल्द से जल्द जोड़ा जाए। तो क्या सिर्फ जद्दा के लिए ही फ्लाइटें मिलेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। दोस्तों, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जब शुरू होगा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होंगी, तो जितने भी खाड़ी देश है सभी के साथ कुशीनगर जुड़ेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप फिलहाल में कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दिल्ली आना पड़ेगा और दिल्ली से आपको फ्लाइट लेकर कुशीनगर आना पड़ेगा, तो आप इस तरह से आ सकते हैं। बाकी अगर आप डायरेक्ट आना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विदेशी उड़ान होने तक का। बाकी दोस्तों, ये अपडेट कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताइए।